आईपीएल का चौथा मैच राजस्थान और लखनऊ के बीच में खेला गया। राजस्थान की टीम ने पहले टॉस जीतकर बैटिंग का निर्णय लिया। राजस्थान की ओर से राजस्थान के कप्तान संधू सैमसंग ने शानदार पारी खेली। संधू सैमसंग ने 6 छक्के और 3 चौके की मदद से 42 रन की शानदार पारी खेली। इसके साथ ही रियान पराग ने भी 3 छक्कों की मदद से 43 रन की पारी खेली। रियान पराग की यह पारी राजस्थान की टीम के लिए महत्वपूर्ण रही और इसके साथ ही राजस्थान की टीम ने लखनऊ की टीम के सामने 20 ओवर में 193 रन का लक्ष्य बनाया। लखनऊ की टीम की ओर से नवीन उल्लख ने 2 विकेट अपने नाम किए। 194 रन का टारगेट करने के लिए लखनऊ की टीम के कप्तान केएल राहुल मैदान पर उतरे। केएल राहुल ने इस मैच में 2 छक्के और 4 चौके की मदद से 58 रन की शानदार पारी खेली और केएल राहुल टीम को लक्ष्य की ओर ले गए। केएल राहुल के आउट होने के बाद में निकल्स पूरन ने शानदार दमखम दिखाया, लेकिन पूरन ने 4 चौके और 4 छक्कों की मदद से 64 रन की पारी जरूर खेली। लखनऊ की टीम ने यह मैच 20 रन से अपना नाम किया। लखनऊ की टीम 20 ओवर में 173 रन बना सकी और राजस्थान की तरफ से ट्रेट बोट ने इस मैच में 2 विकेट अपना नाम किए और संधू सैमसंग की कप्तानी पारी के चलते संधू सैमसंग को इस मैच में मैन ऑफ द मैच चुना गया। तो आज के लिए बस इतना ही। तो अगर आपको आईपीएल के सभी मैचों की रिपोर्ट सबसे पहले देखनी है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी।